हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो ट्रैफिक के नए रूल्स आ गए हैं, वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। वाहन मालिक गाड़ी का बीमा, प्रदूषण और फिटनेस फेल होने पर अब बच नहीं सकेंगे, ना ही इसे छिपा सकेंगे। अब परिवहन विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चाहकर भी वाहन मालिक ऐसा नहीं कर सकेंगे। किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते ही उनका ई चालान कट जाएगा। इसका सबसे प्रभावी असर तो यह होगा कि इसे मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान आसानी से होगी, उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। यही नहीं, बिना परमिट चलने वाली बसों पर भी लगाम लग सकेगी। दरअसल टोल प्लाजा से गुजरते ही वहां पर लगे ई डिटेक्शन मशीन से उनका ई चालान ऑटोमेटिक कट जाएगा। राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो वाहन की जांच करेगी और आवश्यक दस्तावेज की अनुपस्थिति में स्वचालित रूप से ई चालान जारी करेगी। ऐसे में इसे धोखा देना किसी वाहन मालिक के लिए संभव नहीं होगा, खासकर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाली वाहन मालिक तो किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। प्रायोगिक तौर पर इसका परीक्षण किया गया है। इसके तहत पिछले 2 दिनों में टोल प्लाजा पर 5,000 से अधिक वाहनों का ये चलान काटा गया है। परीक्षण सफल होने के बाद अब इस पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह चालान एक दिन में किसी टोल प्लाजा पर एक ही बार काटा जाएगा। इसकी सूची संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। NH के टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहन जब फास्टैग के संपर्क में आएंगे तो तस्वीर सहित वाहन से संबंधित सारा डाटा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इसके बाद इस डाटा का NIC के वाहन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से मिलान कराया जाएगा। इसके जरिए संबंधित वाहन के निबंधन, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण, प्रमाण पत्र आदि की अद्यतन जानकारी मिल जाएगी। इसमें कमी पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक को ई चालान जारी किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि ई डिटेक्शन सिस्टम मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर चलने वाले वाहनों की पहचान आसानी से होगी, उनसे जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। टैक्स एवं अन्य डिफॉल्ट वाहनों की संख्या में कमी आएगी। बिहार सरकार ने यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए उठाया है। ई डिटेक्शन प्रणाली के शुरू होने से वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के नियम का पालन करने में मदद मिलेगी और सड़क दुर्घटना में कमी है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके पास पॉल्यूशन नहीं है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर आपका कोई दस्तावेज नहीं है, तो उन्हें पूरा कर लीजिए। अब चालान कटना शुरू हो गए हैं, बिना हेलमेट के भी बहुत सारे चालान काटे जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।